बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शाही दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, 250 ग्राम माश दाल, दाल को धोकर एक घंटा भिगो दें। 250 ग्राम चिकन बोनलेस क्यूब्स में काट लें। एक दरमियानी साइज़ का प्याज नॉर्मल काट लें और एक छोटा प्याज रिंग में काट लें। 4 अदद छोटी हरी मिर्चें काट लें। 2 अदद टमाटर काट लें। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 चिकन क्यूब, 1 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, 1 कप ऑयल या घी। गार्निश के लिए 2 अदद हरी मिर्चें काट लें, 1 टुकड़ा अदरक जूलियन काट लें, हरा धनिया काट लें, 1 अंडा बॉयल करके काट लें। अब हम शाही दाल तैयार करते हैं। कढ़ाई गर्म करें, उसमें तेल ऐड करें, ऑयल गरम होने दें। गरम हो जाए तो नॉर्मल कटा हुआ प्याज डाल दें। प्याज को तेज़ आंच पर पिंक करें। पिंक हो जाए तो गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करें। अब टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल दें। थोड़ी देर कवर कर दें ताकि टमाटर गल जाए। अब ढक्कन उठाएं, टमाटर तकरीबन गल गए हैं। अब मसाले ऐड करेंगे, चिकन क्यूब, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा और नमक डालकर अच्छी तरह मसाले को भूनें। अब चिकन ऐड करें, मसाले के साथ अच्छी तरह भूनें। चिकन भुन जाए तो दाल माश ऐड करें, अच्छी तरह मिक्स करें। अब तकरीबन 1.5 ग्लास पानी डालकर कवर कर दें। उबाल आने के बाद आंच हल्की कर दें। हल्की आंच पर दाल को पकने दें। 15 से 20 मिनट बाद खोलकर चेक करें, दाल तकरीबन गल गई है। अब रिंग में कटा हुआ प्याज और कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें और 2 मिनट के लिए दम दे दें। खोलकर चेक करें, शाही दाल तैयार है। डिश आउट करें, गरम मसाला छिड़कें, कटी हरी मिर्चें, धनिया, अदरक और बॉयल एग ऊपर से गार्निश करें। गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें। उम्मीद है रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।